तो हिजाब विवाद पर ना सियासत रुक गई है और ना विरोध प्रदर्शन, फिर चाहे वो हिजाब के समर्थन में हो या हिजाब के खिलाफ हो। और अब हिजाब से जुड़े प्रदर्शन हिंसक रूप भी लेने लगे हैं। हिजाब के नाम पर बवाल की चिंता में डाल देने वाली कई तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आ रही हैं, फिर चाहे वो कर्नाटक हो जहां से ये सब बवाल शुरू हुआ या पश्चिम बंगाल हो जहां भीड़ ने एक स्कूल पर हमला कर दिया। हिजाब के समर्थन में बवाल ने अब सारी हदें लांघ दी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक स्कूल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हमला किया। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस स्कूल के एक शिक्षक पर आरोप है कि उसने एक छात्रा को हिजाब और बुर्का पहनकर आने से मना कर दिया था। बस ये बात चिंगारी की तरह फैली और पूरा स्कूल तोड़फोड़, हंगामे और बवाल का अखाड़ा बन गया। हिजाब पर मचे बवाल की यह घटना जयपुर में भी हुई। ये चाकसू में कस्तूरी देवी कॉलेज है। कॉलेज के गेट पर कुछ छात्राएं बुर्का और हिजाब पहनकर पहुंची। प्रबंधन कॉलेज का उन्हें रोक देता है। कुछ ही देर में छात्राओं के अभिभावक और कॉलेज शिक्षकों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई। सब बच्चे यूनिफॉर्म में है। अब वो बच्चे बोले भाई ये कैसे जा रहे हैं, हम लोग तो विदाउट यूनिफॉर्म में है भाई साहब। वो यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म के अंदर है वो, बिना यूनिफॉर्म में आइए वो आप दादागिरी करो, ये है वो कुछ नहीं। जिस दिन विदाउट ड्रेस अलाउ होती है ना उस दिन आप पहन के आओ, हम कोई मना नहीं करेंगे। अब कर्नाटक के बीदर की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में बुर्का पहन कर आई छात्राओं को एग्जाम सेंटर में घुसने से रोक दिया गया। डोर क्लोज करो सर, आप करिए सर, डोर क्लोज करिए। इतने खैरे वाले अंदर एग्जाम लिखने के लिए आप डोर क्लोज करिए। बच्चों दिस इज एट ब्रेम्स कॉलेज बीदर, नॉट अलाउइंग अस विथ हिजाब। हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में आने वाली छात्राओं को रोकने की घटनाएं अलग अलग जगहों से रिपोर्ट हो रही। कर्नाटक सरकार ने विवादों के इस बवंडर को शांत करने के लिए एहतियाती तौर पर कुछ कदम उठाए। 16 फरवरी तक डिग्री कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। 16 फरवरी तक विश्वविद्यालय भी बंद रहेंगे। 16 फरवरी तक प्रोफेशनल कोर्सेज भी नहीं चलेंगे। एंड वी हैव टेकन अ डिसीजन इन अ मीटिंग नाउ दैट अप टू 10th स्टैंडर्ड द स्कूल्स विल बी ओपन ऑन मंडे। And looking into the situation, as a second stage, we will decide about 11, 12 standard and other degree colleges. हिजाब विवाद को शांत करने का दारोमदार अब अदालत के फैसले पर है, क्योंकि सरकार और प्रशासन तो अब तक हिजाब विवाद को काबू में करने में कोई ज्यादा कामयाब होता नहीं दिखता। चेन्नई से प्रमोद माधव, जम्मू से सुनील जी भट्ट, जयपुर से शरद कुमार के साथ मुस्तफा शेख, बेंगलुरु आज तक।